एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ब्रेन मशीन इंटरफेस पर काफी कुछ कर रही है। ब्रेन मशीन इंटरफेस यानी वो तकनीक जिसमें दिमाग में एक बाल से भी बारीक चिप लगाकर उसे कंट्रोल किया जा सकता है या फिर मोबाइल से कनेक्ट किया जा सकता है। अभी इस तरह की तकनीक पर काम किया जा रहा है। हालांकि एलन मस्क इस टेक्नोलॉजी को ट्रीटमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं जिससे जो बोल नहीं सकते उन्हें मदद मिल सके। लेकिन फेसबुक की कहानी इससे थोड़ी अलग है। फेसबुक जैसी कंपनियों पर आए दिन लोगों की प्राइवेसी में दखलंदाजी और डेटा मैनिपुलेशन के आरोप लगते रहते हैं। अब फेसबुक इस तैयारी में है कि वो लोगों की सोच को डिटेक्ट करके उसे एक्शन में तब्दील कर दे। दरअसल बसफीड की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने अपने एम्प्लॉयज को बताया है कि कंपनी एक ऐसा टूल डेवलप कर रही है जो न्यूज आर्टिकल को समराइज कर देगा ताकि यूजर्स को उन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। बसफीड न्यूज ने दावा किया है कि उनके पास फेसबुक के एक इंटरनल मीटिंग का ऑडियो है। हालांकि अभी ये पब्लिक नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये फेसबुक के हजारों एम्प्लॉयज के लिए ब्रॉडकास्ट किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग हैं और इस ऑडियो में कंपनी के कुछ आला अधिकारियों का प्री रिकॉर्डेड मैसेज है। बसफीड की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल के आखिर में होने वाली फेसबुक एम्प्लॉयज के साथ इंटरनल मीटिंग में कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट टूल TDLR यानी टू लॉन्ग डिड नॉट रीड पेश किया है जो न्यूज आर्टिकल का सार तैयार कर सकता है। ये टूल बड़े न्यूज आर्टिकल को बुलेट पॉइंट्स में तोड़ेगा जिससे यूजर्स को पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर माइक स्क्रोफर ने इस मीटिंग के दौरान एक वर्चुअल रियलिटी बेस्ड सोशल नेटवर्क होराइजन के बारे में भी बताया है जहां यूजर्स अपने अवतार के साथ बातचीत और हैंगआउट कर सकेंगे। 2019 में फेसबुक ने न्यूरल इंटरफेस स्टार्टअप CTRL लैब्स का अधिग्रहण किया था। इस तकनीक की मदद से फेसबुक लोगों की सोच को डिटेक्ट करके उसे एक्शन में बदल सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसी के तहत कंपनी ब्रेन रीडिंग के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। संभवतः इससे दिमाग में चल रहे थॉट को एक्शन में तब्दील किया जा सकेगा। आपको बता दें कि मार्च 2020 में फेसबुक ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा था कि कंपनी ऐसा डिवाइस बनाना चाहती है जो दिमाग पढ़ ले। ब्रेन मशीन इंटरफेस को लेकर रिसर्च को फंड करने की बात कही गई थी जो किसी शख्स के थॉट्स को एक्शन में तब्दील कर देगा। हालांकि फेसबुक ने इस रिपोर्ट के बाद किसी तरह का स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि बसफीड न्यूज की इस रिपोर्ट के बाद फेसबुक एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ सकती है।